मकआउट की एग्जामिनेशन है काफी करीब और इवन सेमेस्टर में 2022 में हम किस तरह अपनी एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने वाले हैं, क्या वो होने वाला है ऑनलाइन या फिर होगा ये ऑफलाइन, किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन की स्टार्ट करें और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें दोस्तों, इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चाहे आप लोग मकआउट की सेमेस्टर 2 में दे रहे हैं, सेमेस्टर 6 या सेमेस्टर आपकी 8 चल रही है दोस्तों, पर आप लोग इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रह सकते हैं जिससे आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली दोस्तों है। मेरा नाम है विवेक और मैं ऐसे ही वीडियोज बनाता रहता हूँ। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और साथ में हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें जहाँ पर हम लोग लेटेस्ट कोई भी न्यूज़ आती है तो हम उसे जल्दी से जल्दी अपडेट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मकआउट की इस साल की एग्जामिनेशन के बारे में, तो उसके पहले हम सिचुएशन को जरा एनालाइज करेंगे जिस तरीके से अगर किसी को ना ही पता हो। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि हमें 3 महीना मिल रहा है टोटल अपने प्रिपरेशन के लिए। फरवरी से हमारी कॉलेज की डेट स्टार्ट हो चुकी है और हमें जून में इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना है, जिसका मतलब हमारे पास ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स हमें देखने को मिल रहा है, जो ऑलमोस्ट काफी दिन होता है अगर हम लोग पूरी सिलेबस को कंप्लीट करते हुए देखें तो। बट अगर हम लोग प्रैक्टिकल्स की बात करें दोस्तों, तो प्रैक्टिकल के जितने भी क्लासेस हैं हमें अच्छे खासे मिल रहे हैं, जिससे हम अच्छे से अच्छी अपनी प्रिपरेशन को दूर तक ले जा सकते हैं और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में तो ऑलमोस्ट गुड एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा कंक्लूजन भी निकल के आता है दोस्तों, तो हमारा एग्जामिनेशन इस साल इवन सेमेस्टर में होने वाला है दोस्तों हाइब्रिड मोड में। यस दोस्तों, आपने सही पकड़ा, ये साल होने वाला है ये हाइब्रिड मोड में। और अगर आप लोग इसके ऊपर कोई जो है नोटिस चाह रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि अभी तो बात इतनी सच्ची नहीं है तो हमें करना क्या चाहिए, तो मैं आप लोग को बता दूं हाइब्रिड मोड में किस तरीके से एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले तो है आप लोग के जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम अभी क्लासेस चल रहे हैं वो सब का प्रैक्टिकल में ऑफलाइन ही एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। यस, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स अभी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिकल क्लासेस को मिस कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन ऑफलाइन ही होने वाला है। और जैसे कि तरीके पहले हुआ करता था ऑफलाइन में, तो अब कैसे ऑफलाइन में ज़्यादा स्कोर करेंगे इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे। अगर आप ये वीडियो को चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से प्रैक्टिकल्स में हमेशा फुल में से फुल स्कोर कर लेता हूं बड़ी आसानी से। सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि अमेरिका ऑनलाइन मोड में क्या होगा। तो जितने भी हमने अभी तक सब्जेक्ट्स को अपनी एनालाइज की है, तो 3.5 मंथ्स में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस में सब्जेक्ट्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं प्रोफेसर्स, और वो इस चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं और टीचर स्टूडेंट्स काफ़ी कंप्लेन कर रहे हैं कि वो एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे ठीक तरीके से। और इसको देखते हुए दोस्तों अभी तक मकआउट की जो डिसीजन है वो 80-85% तक एकदम कन्फर्म है कि ऑनलाइन में ही आपका जो है एग्जामिनेशन होने वाला है, जैसे कि प्रीवियसली हुआ करता था। अगर इसे हम लोग देखें तो अगर ये शिफ्ट करता है ऑफलाइन मोड में तो बहुत सारी दिक्कतें अभी मकआउट को फेस करनी पड़ सकती है। पहले तो उनको लोगों को जो चेकिंग के उनके पहले सॉफ्टवेयर रहा करते थे जिससे जो पेपर एनालाइज होकर चेक किया करता था, वो सारे सॉफ्टवेयर्स उनके पास अभी करंटली नहीं है। दूसरे इसके साथ साथ इनके पास अभी एक और भी चीज नहीं है, वो है दोस्तों इनके पास वो सारी चीजें की मुकम्मत, जैसे कि पहले टीचर्स को शिफ्ट किया जाता था, पेपर्स को यहाँ से यहाँ लाया जाता था, दूसरे कॉलेजेस में शिफ्ट किए जाते थे, उनसे चेकिंग करवाई जाती थी, ये सारी चीज़ों का झंझट अभी तो मकआउट इस कोविड के सिचुएशन में नहीं ले सकता, क्योंकि सिचुएशन कभी भी बिगड़ सकती है। और इसके बाद नेक्स्ट कोविड का जो फेस है दोस्तों वो आपको जून से लेकर जुलाई के बीच में देखने को मिल रहा है, तो इस चीज़ को एनालाइज करते हुए उन्होंने यही अभी तक डिसीजन जो है काफ़ी कॉन्स्टेंट रखा गया है और इसी को मेंटेन किया गया था फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के साथ। जब हम लोग का एग्जामिनेशन हुआ था उसके 2 महीने बाद हमें इसकी एग्जामिनेशन देखने को मिली और वहाँ पर भी दोस्तों ऑनलाइन मोड में ही एग्जामिनेशन हुआ। तो अभी तक आप अपने आप से अभी इतना प्रिपेयर कर सकते हैं कि MCQ में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ही आपका एग्जामिनेशन होगा। बट अगर दोस्तों यहाँ पर एक और अच्छी बात आई है, बुरी बात यह है दोस्तों, अच्छी बात तो है नहीं, कि अगर मकआउट की दिमाग में अगर कुछ कचरा पानी चली या फिर कुछ नया इनोवेटिव आइडिया आया तो वो ये कर सकते हैं कि जितना भी एग्जामिनेशन स्टूडेंट नहीं दे रहे हैं उनको कंप्यूटर के कॉलेज के कंप्यूटर्स में इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करवाना, उनको शायद करवाए, तो ये एक बहुत ही बुरी खबर हो सकती है। बट इसको भी मैं एक तरीके से एनालाइज करके आपको बता दूं, हर कॉलेज में ये सुविधाएं नहीं है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं मकआउट के अंदर जिनके पास तो कंप्यूटर के नाम पर हाइब्रिड कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों उन कॉलेजेस में क्या होगा। तो दोस्तों उन कॉलेजेस के लिए मैं तो यही अभी तक एनालाइज करके बता सकता हूँ कि हर बच्चे का एग्जामिनेशन अभी ऑनलाइन मोड में ही जैसे प्रीवियसली हुआ करता था वैसे ही आपका एग्जामिनेशन होगा, बट प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन आप लोगों को ऑफलाइन मोड में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी मेरी कंक्लूशन। अगर आपको इन बातों में से कुछ भी बात बुरी लगी या अच्छी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आने वाले समय पे आप कौन सी वीडियोस पे ज़्यादा डिस्कस करना चाहें या फिर किन चीज़ों को मैं आप लोगों को और बेहतर बता सकता हूँ, इस चीज़ के बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ज़रूर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें अगर आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो, और साथ में हमें टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। अगर कोई भी अच्छी न्यूज़ मिलती है मुझे तो मैं वहाँ ज़रूर शेयर करता हूँ। तब तक के लिए कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।